मैं विवेका गोयल रिद्धि सिद्धि चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें जिससे हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए करते हैं कुछ बातें सनातन धर्म की। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सावन महीने में मनाए जाने वाले ऐसे पर्व की जिसका स्वागत बड़ी आतुरता के साथ सभी भक्त द्वारा किया जाता है, वो है हरियाली अमावस्या। इसको हरियाली के आगमन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन किसान आने वाले वर्ष में कृषि के विकास का अनुमान लगाते हैं और शगुन करते हैं। सावन की बहार और खुशनु में पर्यावरण का स्वागत किया जाता है। पेड़ों में देवताओं का वास माना जाता है, इसी कारण से इन्हें लगाने वाले व्यक्ति पर भगवान की असीम कृपा बनी रहती है। हमारे सनातन धर्म में वृक्षों को देवता स्वरूप माना गया है। यदि इसी दिन कोई भी व्यक्ति एक भी पेड़ रोपित करता है तो उसे पुण्य की प्राप्ति होती है और वह जीवन भर सुखी और समृद्ध बना रहता है। हरियाली अमावस्या पर महिलाओं द्वारा हरे रंग के कपड़े पहनने का विशेष महत्व है। इस दिन महिलाएं झूले झूलती है, पिकनिक मनाती है। वर्षों पुरानी परंपरा के निर्वहन के लिए हरियाली अमावस्या के दिन एक नए पौधे का लगाना शुभ माना जाता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, हरियाली से संबंधित, इसीलिए हरियाली अमावस्या मनुष्य को प्रकृति से जोड़ने का पर्व भी कहा जाता है। इस अमावस्या का संबंध प्रकृति, पितृ और भगवान शंकर से है। तीनों लोक से संबंध होने के कारण इस अमावस्या का अपना विशेष महत्व है। भक्त को अपनी राशि के अनुसार वृक्षारोपण करना चाहिए और यदि राशि से संबंधित पौधे ना मिले तो तुलसी, आम या शमी का पेड़ भी लगाया जा सकता है। अतः इस दिन किसी वृक्ष को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। यदि आप भी राशि के अनुसार पौधे लगाना चाहते हैं तो राशि इस हमारे बताए अनुसार पौधे लगाए सकते हैं। आइए जानते हैं राशि अनुसार पौधे। मेष राशि, मेष राशि वाले लोग लाल चंदन या आंवले का पौधा लगा सकते हैं। वृष राशि वाले लोग जामुन या सप्तपर्ण का पौधा लगा सकते हैं। मिथुन राशि, खैर या कटहल का पौधा लगाने से मिथुन राशि वाले लोगों को पुण्य की प्राप्ति होती है। कर्क राशि वाले लोगों को पलाश या पीपल का पौधा लगाना चाहिए, इससे उनके जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। सिंह राशि वाले लोगों को बरगद का पौधा लगाना चाहिए क्योंकि बरगद का पौधा लंबी आयु और स्वस्थ जीवन का संकेत देता है। कन्या राशि वाले लोगों को रीठा का पौधा लगाना चाहिए। तुला राशि वाले लोगों को अर्जुन का पेड़ लगाना चाहिए। वृश्चिक राशि वाले लोग अमरूद का पौधा लगा सकते हैं। धनु राशि के लोगों को साल का पौधा लगाना चाहिए। मकर राशि वाले लोगों को शमी का पौधा लगाना चाहिए, इससे उन्हें मन वांछित फल की भी प्राप्ति होगी। कुंभ राशि वाले लोगों को भी शमी का पौधा लगाना चाहिए। मीन राशि वाले लोगों को आम का पौधा लगाना चाहिए। हरियाली अमावस्या पर्व के फायदे। मान्यता है कि ऐसा करने से प्रकृति हरे भरे रहने के साथ फलते फूलते रहने का आशीर्वाद भी देती है। इस दिन हर किसी को किसी मंदिर या किसी बाहर कहीं एक नया पौधा जरूर लगाना चाहिए। अतः हरियाली अमावस्या के दिन पेड़ पौधों को रोपित करने और उनकी पूजा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। हरियाली अमावस्या का मुख्य उद्देश्य वर्तमान में बढ़ रहे प्रदूषण और गंदगी की समस्या को हल करना है। वर्तमान में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण के बढ़ते प्रभाव के कारण कई बीमारियां पनप रही है, जिनसे दिनों दिन अनेक लोग मौत के घाट उतर रहे हैं। प्रदूषण को खत्म करने के लिए प्राचीन समय से ही वायु में वरुण देवता और जल में जल देवता का निवास बताया गया है, ताकि लोग वायु और जलाशयों को अपवित्र या गंदा नहीं करें और उनके महत्व को समझें।
आशा करती हूँ कि आप सब भी पर्यावरण के महत्व को समझते हुए हरियाली अमावस्या के दिन एक वृक्ष जरूर लगाएंगे और अपने आसपास के लोगों को भी वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। यदि आपने वृक्ष लगाया है और कौन सा वृक्ष लगाया है तो कमेंट करके अवश्य बताएं। राधे राधे।